जैसे ही मैं डबल टैप करता हूँ ऑन हो गई, जैसे ही मैं डबल टैप करूँगा ऑफ़ हो गई। मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, जैसे ये देखें आप कि मैंने डबल टैप किया और ये स्क्रीनशॉट ले ली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं आईफोन के ऐसी सेटिंग बताऊँगा कि जैसे ही आप उसके लोगो को डबल टैप करेंगे तो आप उससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फ्लैशलाइट भी ऑन कर सकते हैं और बाकी बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप डबल टैप करके कर सकते हैं। तो आईफोन के लोगो को आप बटन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो बैक पे उसका एप्पल का लोगो बना होता है उसको बटन की तरह यूज़ कैसे करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कुछ सेटिंग जिसकी मदद से आप बहुत से काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाते ही आपने सर्च बार में लिखना है डबल टैप। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने लिखना है डबल टैप। जैसे ही आप, मैंने डबल ही लिखा है, यहाँ नीचे ऑप्शन आपको शोर होगा डबल टैप। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक करता हूँ तो ये देखें असिस्टिव टच में आ गया। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, नीचे आऊँगा, सबसे एंड में लिखा होगा बैक टैप। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रिपल टैप का और एक है डबल टैप का, तो आपकी मर्ज़ी है जो उसमें भी आप सेलेक्ट करें। मैं सेलेक्ट करूँगा डबल टैप और इसमें आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐप स्विचर, कैमरा, कंट्रोल सेंटर, होम, लॉक, ये बहुत से ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। देखिए इसमें स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है और टॉर्च के भी ऑप्शन है, तो मैंने इसमें स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया है। और अभी आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पर बैक टैप करता हूँ तो ये दो बार मैंने टैप किया, जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक